Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the GST goods and service tax, and we are going to discuss every important point that would be appearing in your paper. और जो जो चीज़ें एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में एक्सपेक्टेड होंगे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एज वेल एज कुछ मैं आपको बेसिक टिप्स भी देने वाला हूँ रिलेटेड टू योर जीएसटी पेपर जो आप पहली बार इस सेमेस्टर 6 में अटेम्प्ट करने वाले हैं. तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जीएसटी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होंगे सारे के सारे इस वीडियो से मैं क्लियर करने वाला हूँ. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न काफ़ी ईजी है, बट पेपर पैटर्न में ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन से क्वेश्चन में किस बेस के ऊपर मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स है और लास्ट में आपके 20 मार्क्स का थियरी है. तो थियरी के बारे में भी बताने वाला हूँ कि किस बेस पे थियरी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर पूछी जाएगी. तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो इसके ऊपर कौन से क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट इट विल बी रिलेटेड टू 15 मार्क्स क्वेश्चन एंड दे कैन ऑल्सो डिवाइड दिस 15 मार्क्स क्वेश्चन इनटू 8 और 7 मार्क्स और 10 और 5. 10 और 5 का भी डिवाइड कर सकते हैं या 8 7 के मार्क्स पे भी डिवाइड किया जा सकता है. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर पैटर्न इतना कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन आपको प्रॉब्लम ये अराइज होने वाला है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर अटेम्प्टिंग द जीएसटी पेपर फॉर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6. तो स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी पुट अप इन द एग्जाम. तो क्वेश्चंस विच विल बी पुट अप इन द एग्जाम आर वेरी इजी, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं. तो किस बेस पे क्वेश्चंस पूछेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड की अगर हम बात करें तो काफ़ी इजी है. देखो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए जाएंगे एंड वी नीड टू काउंट द टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल पॉइंट्स फ्रॉम दैट एंड वी नीड टू ऑल्सो काउंट द जीएसटी लाइबिलिटी फ्रॉम दैट, ये भी पूछा जा सकता है. टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. तो अभी हम इसको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो कलेक्शन एंड लेवी ऑफ जीएसटी, अगर हम कलेक्शन एंड लेवी ऑफ जीएसटी की बात करें तो कलेक्शन एंड लेवी ऑफ जीएसटी एक ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके ऑप्शन में भी सेम क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये कलेक्शन एंड लेवी ऑफ जीएसटी के ऊपर आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे आपको 3 से 4 हेड्स मिक्स करके दिए जाएंगे पेपर में, जैसे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फिर एजुकेशनल सर्विस है, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज है, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, फिर आईटी सर्विसेज है, ऐसे बहुत सारे कमर्शियल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट है. तो वी कैन हैव 2-2 पॉइंट्स मिक्सचर, 2-2 3-3 पॉइंट मिक्स करके आपको दिया जाएगा. तो आपको सबसे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, आपको सबसे पहले इस चैप्टर में ऐसे पॉइंट्स पढ़ने हैं जो एग्जेम्प्ट होंगे एज पर द नोटिफिकेशन 12 ऑफ द जीएसटी एक्ट 2017. तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो ये नोटिफिकेशन के बेसिस पे एग्जेम्प्ट किए गए हैं, वो आप पॉइंट पढ़े, उससे आपका सारा कुछ इस चैप्टर से क्लियर हो जाएगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर पे आएगा. देन द सेकंड क्वेश्चन विच विल बी अपियरिंग इन द एग्जाम इज ऑन रजिस्ट्रेशन. सो रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है. रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो 8-7 में भी पूछा जा सकता है या फिर 15 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ याद रखनी है, एंड नंबर 1 इज लिमिट 20 लाख रुपीज़ है नॉर्मल लोगों के लिए, और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स रहा जैसे हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, वो साइड के सब जो स्टेट्स है उसके लिए 10 लाख का लिमिट है. तो फिलहाल आपको 20 लाख का लिमिट याद रखना है. टोटल वैल्यू ऑफ टर्नओवर ऑफ सेल्स, आपको क्वेश्चन में परचेस भी दिया जाएगा सेल्स भी दिया जाएगा, लेकिन हमें सेल्स में से दोनों लेने हैं, टैक्सेबल प्लस टैक्स फ्री. दोनों का टोटल जब 20 लाख के ऊपर क्रॉस करेगा उस डेट से वो बंदा लायबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए. तो इसको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. नंबर 1 हमें कंडीशंस लिखना है, जैसे आप रेजिडेंशियल स्टेटस करते थे सेक्शन 6 का सेमेस्टर 5 में, सिमिलरली नंबर 1 हमें कंडीशन लिखना है, नंबर 2 हमें कैलकुलेशन शो ऑफ करना है कि किस तरीके से वो बंदा
लायबल हो रहा है, और नंबर थर्ड हमें उसको कंक्लूड करना है, कंक्लूजन लिखना है कि वो कौन से डेट से लायबल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बी अपियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ऑल्सो फॉर 15 मार्क्स, एंड दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट काफ़ी इजी क्वेश्चन आने वाला है. इसमें आपको IGST, CGST और SGST का बैलेंस दिया जाएगा. बैलेंस देने के बाद आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए जाएंगे. ट्रांजेक्शन में कुछ ट्रांजेक्शन सोल्ड के होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन परचेस के होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन गुड्स सोल्ड के होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन गुड्स परचेस के होंगे. सिमिलरली सर्विसेज के भी कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगे. तो आपको करना क्या है, आपको सारी चीज़ें जो सोल्ड वाली है वो एक साइड लेनी है, उसमें से सारी चीज़ें जो परचेस वाली है वो एक साइड लेनी है, दोनों को आपस में माइनस कर देना है और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का वैल्यू मिल जाएगा. नेक्स्ट इज टाइम ऑफ सप्लाई. तो टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं और जो आने भी वाले हैं. टाइम ऑफ सप्लाई में आपको क्या किया जाएगा, डेट्स दिए जाएंगे और वो डेट्स के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है विच इज़ द टाइम ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक पॉइंट. तो टाइम ऑफ सप्लाई में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, और अगर आपका एक टाइम ऑफ सप्लाई, एक सिचुएशन गलत हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हर एक सिचुएशन के लिए 1111 मार्क्स मिलने वाले हैं. तो यूजुअली पहले जब सर्विस टैक्स होता था तब सर्विस टैक्स में भी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन करके पूछा जाता था. सिमिलर टाइम ऑफ सप्लाई का कंडीशन है. तो जो टाइम ऑफ सप्लाई है उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी पॉइंट्स पेपर में पूछे जाएंगे, हर एक पॉइंट इंडिविजुअल कैरी करता है और हर एक पॉइंट के ऊपर आपको 111 मार्क्स मिलने वाला है. तो अगर आप इसके कंडीशंस प्रॉपरली देख लेंगे तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं होगा. मैंने ऑलरेडी GST के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर लिए हैं, तो मैं वैसे ही करने वाला हूँ. लिंक में सारे वीडियोस जितने अभी तक मैंने GST के ऊपर बनाए थे सारे का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप एक एक वीडियो को चेक करें. टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए, MCQs भी बनाए थे हमने, एज वेल एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, बाकी के भी जो पॉइंट्स है उससे रिलेटेड भी हमने काफ़ी बार डिस्कशन कर लिया है. तो इतना कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. तो टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर आपका एक क्वेश्चन पेपर में बनेगा, दैट विल बी रिलेटेड विद 8 और 7 मार्क्स यूजुअली इफ आई सी. नंबर सेकेंड इज प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो देखो सिलेबस है तो सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाएगा. सिंस यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर फॉर 60 मार्क्स एंड रिमेनिंग 40 मार्क्स विल बी द थियरी एंड ऑब्जेक्टिव, तो 100 मार्क्स का तो पेपर है लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्विंग तो आपका 60 मार्क्स होने वाला है. इसलिए हर एक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाने ही वाला है. तो आप कोई भी चीज़ को ऑप्शन में ना रखें. प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा. प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको कंडीशंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है वो पर्सन के बारे में जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, उस जिसका नाम होगा और वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. तो उसके लिए भी कंडीशंस है, तो वो आप अपने पास जो नोट्स है उसके बेसिस पे चेक कर सकते हैं. तो प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकता है. नेक्स्ट बनता है आपका क्वेश्चन वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर. तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ कंडीशंस दिए रहेंगे, कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे, उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई. काफ़ी इजी है वैल्यू ऑफ सप्लाई भी, जो भी पॉइंट्स दिए सबको हमें ऐड करना है और अकॉर्डिंगली टोटल करके वैल्यू ऑफ सप्लाई ढूंढना है. तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के भी एक दो क्वेश्चन आप अपने पास, जो आपके पास अवेलेबल नोट्स होंगे या टेक्स्ट बुक्स होंगे उसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई. बिकॉज इफ यू सी काफ़ी कम क्वेश्चंस आपको बुक्स में दिए हुए हैं, लेकिन जितने भी दिए हुए हैं आप उससे रिलेटेड सारी बेसिक चीज़ें पढ़ के जाए. एग्जामिनर उसी से रिलेटेड जो बेसिक्स है उसी से रिलेटेड पेपर डाले. बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऑफ GST, इसलिए ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स आपको GST में नहीं पूछने वाले TY BCom के सिलेबस में. तो प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जाए. अब हम थियोरी क्वेश्चंस की बात करें तो देखो थियोरी क्वेश्चंस जो आपको पेपर में आएंगे वो बेसिक्स के ऊपर आएंगे. डेफिनेशंस पढ़ के रखना. मैंने थियोरी क्वेश्चंस कौन से एक्सपेक्टेड है वो ऑलरेडी मैंने डाले हुए हैं, आप वो वीडियो को चेक करें, उस बेस पे आपको पता चलेगा कि किस बेस पे थियोरी क्वेश्चंस आ सकते हैं. जैसे GST के ऊपर GST काउंसिल काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, फिर GST का नेटवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, फिर वो जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर जो है वो सारे क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, आप वो चेक कर सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है. लेकिन शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन आप पढ़े, एज वेल एज कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस है वो भी आपके रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. डेफिनेशंस भी आपको
शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप डेफिनेशंस को भी प्रॉपरली पढ़ के रखें, बिकॉज थियोरी क्वेश्चंस में जो जीएसटी में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो सारे जीएसटी के क्वेश्चंस बेसिक्स पे पूछे जाएंगे, एंड अनलेस एंड अंटिल वी आर कंफर्टेबल विद ऑल द चैप्टर्स विद द बेसिक्स वी कैन नॉट बी एबल टू आंसर द थियोरेटिकल क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। तो बहुत सारे डेफिनेशंस है, बिजनेस का डेफिनेशन जैसा है, गुड्स का डेफिनेशन है, फिर टैक्सेबल पर्सन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है, ये सारे चीज़ों के ऊपर कुछ थ्योरी क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। कॉम्पोजिशन लेवी करके पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में, फिर टाइम एंड टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप इतनी भी बेसिक चीज़ें पढ़ के जाएंगे जो आपके थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो आप इजीली थियोरी तो अटेम्प्ट कर ही पाएंगे, उसके साथ आप ऑब्जेक्टिव्स को भी इजीली आंसर कर पाएंगे। सो बेसिकली थियोरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं वो आप कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं, बिकॉज इस जीएसटी में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, बट आपको और स्कोरिंग मार्क्स, अगर और मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको फोकस करना पड़ेगा थियोरेटिकल क्वेश्चंस पे, बिकॉज थियोरी विल हेल्प यू टू स्कोर मोर इन थियोरी ऑल्सो एज वेल एज इन ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। सो दिस वॉज द वीडियो फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें सो दैट आई कैन रिप्लाई, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।